नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शंकरलाल सैनी। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान की एक छोटी परियोजना नर्मदा नहर परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो नर्मदा नहर जो परियोजना है, इस नर्मदा नहर परियोजना का संबंध भारत के कौन से राज्य से होता है? तो यह मैकाल जो पर्वत है, इस मैकाल पर्वत की जो चोटी है अमरकटक, इस अमरकटक से यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा। ये नर्मदा नदी जो है ये सूरत के पास में, यानी ये कहें कि यहाँ भरूच जो जगह है, भरूच नामक स्थान से ये जो नदी है नर्मदा, ये अरब सागर के अंतर्गत अपना जल गिराती है और लगभग 1311 किलोमीटर के करीबन ये बहती है। रिफ्ट वैली में बहने के कारण, या रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी जिसको नाम दिया जाता है, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने के कारण ये ढाल के विपरीत अपना जल लाती है। इसी के दक्षिण में एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी का जल रोका गया है गुजरात में, और गुजरात में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। और ये जो सरदार सरोवर जो बांध है, ये नर्मदा नदी पर किस राज्य में है? तो गुजरात के अंतर्गत है। इस नर्मदा जो ये कहें कि नहर के ऊपर जो ये बांध बनाया है सरदार सरोवर, इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है। ये नहर जो है ये टोटल 532 किलोमीटर लंबी है। तो बात करें कि ये 458 किलोमीटर ये गुजरात के अंतर्गत है। शेष बचती है लगभग 74 किलोमीटर, और 74 किलोमीटर का इसका जो एरिया है ये हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। तो दोस्तों, ये जो नहर है, इस नहर के बारे में अब हम यहाँ एक मैपिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा करते हैं। तो नर्मदा नहर का जो संबंध है वो कौन से दो विशेष राज्य से हुआ? गुजरात है, दूसरा राज्य हो गया हमारा राजस्थान। दोस्तों, नर्मदा को एक तो याद रखिए, इसे मारवाड़ का भागीत कहा जाता है, या मारवाड़ की भागीती के तौर पर इसको जाना जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 74 किलोमीटर है, जबकि जल में जो हिस्सा है 0.5 MAF, यानी मिलियन एकड़ फिट जो पानी है, 0.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ये हमारे राजस्थान का है। तो याद रखिए, राजस्थान का ये क्या बन जाएगा? हिस्सा। तो बात करें सबसे पहले सरदार सरोवर बांध, तो ये कहाँ है? सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से नहर निकाली है, इसकी 458 किलोमीटर की ये जो लंबाई है, यानी 285 मील की। ये कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत है। ये जिस जगह से प्रवेश करती है वो कौन सा जिला है? झालोर। और झालोर में जहाँ से इसका जल भेजा गया या प्रवेश हुआ, वो गांव है सीलू गांव। और याद रखिए, ये 18 मार्च 2008 की बात है। 18 मार्च 2008 को जो जालोर का जो सीलू गांव है, यहाँ पानी भेजा गया या पानी छोड़ा गया, इसको यहाँ का 0 पॉइंट माना जाता है, 0 पॉइंट। फिर बात करें वर्तमान में, इसको यहाँ से बाड़मेर तक जोड़ दिया है, और बाड़मेर में जहाँ तक जोड़ा है, तो बाड़मेर में जो जगह है वो है गुडामलानी, और गुडामलानी तक ये बन गई है। और गुडामलानी का संबंध कहाँ से है? तो बाड़मेर से। तो गुडामलानी बाड़मेर तक अब इसका विस्तार हो गया है। तो राजस्थान का जालोर और बाड़मेर दो जिलों को ये जल आपूर्ति करती है, जालोर को ज्यादा और बाड़मेर को कम। यहाँ जालोर से यहाँ पर इसकी वितरिकाओं को, तीन वितरिकाएं बनी हुई है। एक का नाम है 700, दूसरी का नाम है भादोरिया, और एक का नाम है पनोरिया, भदोरिया और 700। ये तीन शाखाएं हैं। वैसे यहाँ से बात करें तो इसकी कुल 12 जल वितरिकाएं हैं, इसकी 12 जल वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं। तो कितनी वितरिकाएं मानी है इसकी? तो ये याद रखिए, 12 जल वितरिकाएं हैं। राजस्थान का हिस्सा 0.5 MAF है,
74 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। तो याद रखिए मील में बात करें तो 46 मील हो जाएगी ये, 74 किलोमीटर और 46 मील। तो अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई नहर की कितनी है, तो 532 किलोमीटर या 331 क्या हो जाएगा मील जो है, ये इसकी टोटल लंबाई है नहर की। दोस्तों मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन आंदोलन से किसका संबंध है, तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटकर से है, मेघा पाटकर से माना जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।